हर जीव अंदर परमात्मा विराजमान है, इसलिए किसे लई भी माड़ा सोचना पाप है। जो इंसान किसे दी कीती नू नहीं जानदा, वो इस धरती उत्ते निरा भार है। जे कोई साडा भला करे तां सानू कदे भी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिदा, ते लालच वर्गे औगण तो हमेशा ही दूर रहना चाहिदा है। इसे तरह की ही एक कहानी है अकिरत कण। जो किसी की कीती नेकी नू भुल जावे उसनू अकिरत कण आखदे हन। एक बार दी गल है, समुंदर दे एक किनारे एक टुटी फुटी जिही झोंपड़ी विच एक बजुर्ग आदमी रहिंदा सी। उसका कोई भी धी पुत्र जां रिश्तेदार नहीं सी जो उसकी देखभाल कर सके। उस विच इन्नी ताकत भी नहीं सी कि वह समुंदर विच्चों जाल पा के मच्छियां फड़ सके ते उन्हां नू वेच के अपना पेट पाल सके। समुंदरी लहरां नाल बाहर आईयां मच्छियां नू वेच के वह अपना पेट पालदा सी। कदे कदे तां उस कोल खाण लई कुछ भी ना हुंदा ते वह रात नू कई बार भुखा ही सौ जांदा। एक दिन वह समुंदर दे किनारे बैठा सोच रहा सी कि रब ने किन्नी सोहनी सृष्टि बनाई है, काश उसने मेरी किस्मत भी इन्नी सोहनी लिखी हुंदी। मेरे कोल भी बहुत सारा पैसा हुंदा जिस दे नाल मैं पेट भर के अपना खाना खा सकदा, नवे कपड़े ले सकदा, मार हुण ते मैं अपनी दवाई खरीद सकदा। वह अजे सोच ही रहा सी कि इन्ने नू एक चिट्टे रंग दा बड़ा सोहना पंछी उस दे कोल आ गया। उस दे मूँह विच एक वड्डी सारी मच्छी सी। उस पंछी ने वह वड्डी सारी मच्छी उस बजुर्ग दे सामने सुट दित्ती अते आप समुंदर वल नू उड़ गया। उस दिन वह बजुर्ग बड़ा खुश होया, उसने वड्डी मच्छी नू वेच के चंगे पैसे कमा ले ते नाल ही पेट भर के भोजन भी खादा। कुछ पैसे उसने अगले दिन लई भी बचा के रख ले। दूजे दिन जदों वह अपनी झोंपड़ी तो बाहर आया तां उसने वेख्या फिर तो उही चिट्टा पंछी एक होर वड्डी सारी मच्छी उसकी झोंपड़ी दे बाहर सुट के उड़ गया। अजिहा काफ़ी लंबे समय तक हुंदा रहा। पंछी बजुर्ग दी झोंपड़ी दे बाहर वड्डी सारी मच्छी सुट जांदा ते बजुर्ग पैसे वट लैंदा। हुण हौली हौली वह बजुर्ग अमीर हुंदा गया। उसने अपने लई चंगे कपड़े भी खरीद ले ते चंगा खाना भी खाण लगा। दिनों दिन उसकी सेहत भी चंगी हो गई। हुण उसनू मच्छी बेचण लई बाजार भी नहीं सी जाना पैंदा, मच्छी लैण वाले खुद ही उस कोल आ जांदे। वह वड्डी मच्छी वाले बाबे दे नां नाल मशहूर हो गया। एक दिन उस जगह ते एक चिड़ियाघर दा मालक आया। उसने उस बजुर्ग नू पुछया, मैं कई बार इत्थों एक चिट्टे रंग दे पंछी नू समुंदर वल उड़दे वेख्या है, की तुसीं जाणदे हो वह पंछी कित्थे मिलेगा? पहलां तां वह बजुर्ग चुप रहा, पर जदों चिड़ियाघर दे मालक ने दस्या कि वह उस पंछी नू अपने चिड़ियाघर विच रखना चाहुंदा है ते जेकर उसनू वह पंछी मिल जावे तां उस दे बदले वह काफ़ी धन राशि देण लई तैयार है। धन राशि बारे सुन के उस बजुर्ग दे मन विच लालच आ गया। अगले दिन हर रोज़ वांग वह चिट्टा पंछी उस बजुर्ग की झोंपड़ी के बाहर मच्छी सुट्टण लई आया तो बजुर्ग उत्थे ही सी। उसने उस पंछी नू कहा, तू मेरी बहुत मदद कीती है ते मैं तेरा धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ, किरपा करके तू मेरी झोंपड़ी दे अंदर आ ते मेरे द्वारा बनाया गया भोजन खा। पंछी उस दे नाल उस दे घर दे अंदर चला गया। उस बजुर्ग ने चिड़ियाघर दे मालक नू भी अपने अंदर बिठाया होया सी। जद वह पंछी भोजन खा रहा सी तां चिड़ियाघर दे मालक ने उस उत्ते एक भारी कपड़ा सुट के उसनू फड़न दा यतन कीता, पर वह पंछी बहुत ताकतवर सी। उसने अपने खंभां नू इस तरह फड़फड़ाया कि वह आदमी परे जा डिग्गिया ते उस चिट्टे पंछी ने उत्थों उड्डण लग्यां बजुर्ग नू पंजे विच जकड़ लिया ते उड़दे हुए कहा,
अकिरत कण धरती उत्ते भार हुंदे हन। इस लई तेनू इत्थे रहण दा कोई हक नहीं। इन्ना कहिंदे होए उस पंछी ने उस बजुर्ग नूं हेठां सुट दित्ता। सो इस कहानी तो सानू सिख्या मिलती है कि कदे भी किसी की कीती भलाई नूं भुलाउणा नहीं चाहीदा ते हमेशा उसदे भले की गल ही करनी चाहीदी है। ता ही साडा इस दुनिया ते आउणा सफल है।